हेलो, गुड मॉर्निंग. ये मैम है डॉक्टर सुषमा नारिया मैम. और ये हेलो, गुड मॉर्निंग. मिलवाना सबसे जरूरी है. ये डिलीवरी हुई है हमारी. हाँ, मिलवाओ उससे. पूछो, पूछना जो पूछना है अपने आप पूछो. नॉर्मल तो हुआ ही है. हाँ, उससे बीपी बढ़ गया था, इसलिए पेनलेस लगाया कि बीपी डर के मारे बढ़ रहा है. क्यों डर था मुझे बताओ, मुझे पता चले क्यों डर रहते हैं, डरते हैं इतने. पहली बार तो सबका पहली बार होगा. पहले केस खराब कर लोगे. पहला केस खराब कर लोगे फिर दूसरे में तो सुधरन करेंगे ही. किसी ने आपको बताया होगा ना, पहली बार में थोड़ी डर लगता है. अगर हमें कोई चीज पता ही नहीं है तो हम डरते ही नहीं है. पहली बार में कौन डरता है? एक बार बच्चा गिरता है तो वो गिरने से डरता है, एक बार उसका हाथ जलता है तो वो हाथ आग से डरता है, एक बार कुछ होता है तभी डरता है. कितना ही कोई मना करता रहे, मानते थोड़ी बच्चे. हाँ, यही मैं पॉइंट पे आ रही हूँ. किसने बताया था, क्या बताया था? बहुत दर्द होता है. तो अब आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अब आप क्या बताओगे? आपके थ्रू हम बताएंगे कि जो हर महीने पेन होता है उसके मुकाबले में कितना है. जितना हर महीने होता है तुम्हें पेन, उससे थोड़ा ज्यादा होता है, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो कंटिन्यूस होता है ना. और ये रुक रुक के आता है. कितनी देर बाद आता है? 5 मिनट बाद, आधे मिनट का. आई लहर ठीक होगी, सोचो कि वो वाला दर्द आया और चला गया. उसको तो आपको समझोगे ही नहीं. अगर ऐसा होता, मांगोगे ना कि काश मेंसेस का पेन भी ऐसा हो जाए कि बस आए और 5 मिनट बाद फिर आधा मिनट का आए और फिर वो 3 दिन चलेगा. तो वो भी क्यों होता है? वो भी क्यों होता है? क्योंकि जो अंदर लाइनिंग बनी है वो शेड होती है कि इस महीने प्रेगनेंसी हुई नहीं, निकालना है. तो जब भी यूट्रस कुछ निकालता है तो उसमें थोड़ा सा पेन होता है, जो वहाँ की ब्लड वो काम करता है ना, तो हमें फील होता है. और पेनफुल हो गया आजकल, क्योंकि हमारा पेन का, ये डिलीवरी का पेन चलो भगवान ने सोच के बनाया. क्यों बनाया? कहीं ना हो पेड़ पे चढ़े हो बच्चा टपक जाए. अवेयरनेस नहीं, सेफ प्लेस के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, बच्चे की सेफ्टी के लिए. जब भी लेबर पेन हो, मछली भी, कोई भी एनिमल जाके झाड़ में देके आता है अपना बच्चा, वरना कोई दूसरा एनिमल तो उठा के ले जाए उनका बच्चा. जंगल राज है ना, हम भी तो उसी में, जंगल में रहने के लिए बने हैं, जंगल में सरवाइव करने के लिए बने. हम इतने दिमाग है हमारा स्ट्रांग चाहे नहीं है कि कब क्या करना है, किससे बचना है, कैसे बचना है. बेबी को ऐसे लेके रात को दूध भी पिलाते रहो, साथ साथ बताते रहो. तो वो इसलिए पेन हल्का सा बनाए कि आपको पता चल जाए कि डिलीवरी होने वाली है. कपड़े हटा के पहले बेबी को डायरेक्ट पकड़ो. बेबी को अच्छा ही नहीं लगता, तुम्हारा टच नहीं मिलता उसको. एक्चुअली कपड़ों के अंदर होना चाहिए बेबी, कपड़ों अपने कपड़ों के भी अंदर होना चाहिए. इसको नहीं, फिर थोड़ा सा वो करो ना, ये नीचे. जब दूध पिला लिया, ये बर्पिंग बताने लगी ना, चलो छोड़ो ऐसे. हाँ, ये ऐसे बर्पिंग करानी है बस बच्चे को. कंधे पे लेना तो बड़ा काम है, थोड़ा नीचे करो, उसका सिर जा रहा है बाहर. तुम टेढ़ा कर रहे हो ऐसे. इसको साइड से रखना है, ऐसे लेके आप सो गए, नींद आ गई, घुटनों पे ही रख दो. हाँ, ये बता रही हूँ. और आप पीछे एक टेक लगाओ, माँ को तो नींद आ जाती है. कॉर्नर में, इसका कमरा में कॉर्नर, जैसे जहाँ आप खड़े हो ना भैया, ऐसे कॉर्नर में छिपकली है, छिपकली से बचाना पड़ेगा, छिपकलियाँ पहले निकालनी पड़ेंगी. तो कॉर्नर में भी हम इसका बना सकते हैं. बस ये अपना उसमें बैठे, दूध पिलाया, सो जाती माँ. तो एक साल का काम है, कोई एक दिन का काम नहीं है. दिन रात इसका बनाना है, दिन रात ऐसे बनाना है कि कर्टन नहीं होने चाहिए. खिड़कियाँ बनाई हैं कि हमें बाहर का सुंदर दिखाई दे, कर्टन हो भी तो लोअर हाफ में हो. हमारी तो खिड़कियाँ ही अपर हाफ में, मेरा भाई आर्किटेक्ट है, ऐसे बनाई हैं कि लोअर हाफ में खिड़कियाँ नहीं होती, अपर हाफ में होती है. ये वाली तो फिर भी नीचे, बाकी देखना सब 4 फुट के ऊपर हैं खिड़कियाँ, 4 फुट से 10 फुट तक. कि 4 फुट तक तो आपका सिर्फ सिर दिखेगा ना, बाहर से दिखेगा तो चलते फिरते दिखना चाहिए घर में, कोई बात नहीं. एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऐसे कमरे में जाके करूँगी,
ऐसे नहीं सोचना, वहीं सबके सामने करनी है, औरों को भी सिखानी है, पार्क में करने बैठ जाओ। अब तुम लोगों का काम है, मैंने एक एक बंदा एक एक इलाके का ट्रेन कर दिया, तुमने अपना इलाका ट्रेन करना है, क्लास लेनी है वहाँ पे कि आज मेरे जब किट्टी पार्टी है आज मैं क्लास लूँगी। सबके विटामिन डी लगवाना है। एक ऑफिस से एक बंदी आई अगर तो मैं कहती हूँ पूरे ऑफिस को लगवा देना, जैसे मैं चाह रही हूँ। हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे दिए मैंने सोशल वर्क के लिए, है ना, सबको 2 घंटे तो देने चाहिए ना। कुछ भी नहीं करते हम सोसाइटी के लिए, सोसाइटी ने हमारा बहुत कुछ किया होता है, ऐसे नहीं बड़े हुए। कितनी बार हम रास्ता भूल गए, किसी से पूछा, किसी सड़क चलते ने हमें हेल्प करी, किसी ने उठाया हमें। हमें न्यूज़ में सुन के समझते हैं हम दुनिया कैसी है, न्यूज़ तो इज़ ऑलवेज बैड न्यूज़। जो कुछ सही हो रहा है उसकी कभी न्यूज़ नहीं आती, आती है इतना कुछ अच्छा हो रहा है, इतनी दुनिया कर रही है अच्छा, उसकी कहाँ न्यूज़ आती है। हाँ हाँ, तो न्यूज़ इज़ ऑलवेज बैड न्यूज़। न्यूज़ से नहीं सोचना कि दुनिया ख़राब है, दुनिया में रियल लाइफ में सोचो, कोई मिला ख़राब आपको, कोई मिला कभी आपको, मिला कोई, कोई लड़की, हम कहते हैं लड़कियां बहुत ख़राब है, आपको मिली कभी कोई ख़राब लड़की? वो सब बहुत रेयर होती है, 1000 में से एक भी होती है तो नाम बदनाम हो जाता है। हंसा करो, ये मसल्स जो होते हैं ना हंसने के, ये अगर हम हंसते नहीं है तो ये भी वीक पड़ जाते हैं, फिर मुंह गिरा ही गिरा लगता है। आपको बार बार लोग पूछेंगे ठीक हो, उदास लग रहे हो, फिर आपको बुरा लगेगा कि मैं तो ठीक हूँ। ये हो चुका है मेरे साथ, सीरियसली पढ़ते पढ़ते काम करते करते हंसना ही नहीं, पता नहीं सालों हंसे ही नहीं। चलो आ जाओ, एक्सरसाइज बताओगे, पकड़ो। ये डिलीवरी के बाद मिलना, ऑनलाइन व्यूअर्स बहुत सारे देख रहे हैं आपको ना, वो सब भी समझ रहे हैं, उनका भी डर निकल रहा है। लेटो, तुमने बहादुरी दिखाई तो कितने का है, और इसकी बहुत जल्दी होगी, अगर मुझे पता होता ना कि ये 2 घंटे में हो जाएगी तो मैं एपिड्यूरल नहीं लगाती, क्योंकि इसको अच्छे दर्द हो रहे होंगे, और मुझे लगा कि अभी तो बहुत टाइम, पूरी रात पड़ी, तो रात को हम लोग यूजुअली सोचते हैं कि लगा ही दें, क्योंकि पूरी रात में अगर वो सो जाएगी तो 10 बजे लगाया, 12 बजे डिलीवरी हो गई। अगर मुझे पता होता 12 बजे हो जाएगी, इतनी मतलब साइंटिफिक है एक्चुअली, रात को पेन बंद हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ 2 घंटे पहले दर्द शुरू हुए थे, और मैंने सोचा रात भर चलेंगे तो जाके सुबह डिलीवरी होगी, इसलिए लगाया और 12 बजे हो गई। ये हमारे हाथ में नहीं है, एक्सरसाइज से ये नहीं है कि टाइम कम लगेगा, एक्सरसाइज से आपको पेन नहीं महसूस होगा, और माइंड तो सेट हो गई, और एक्चुअली बच्चे के लिए एक्सरसाइज। अब बच्चा तो, बेबी तो खट से निकला ना, उस वक्त तो एपिडुरल का भी असर खत्म हो गया था, बेबी जब निकला तब दर्द हुई, हाँ उस वक्त कोई दर्द नहीं, और एक्चुअली हम उसी के लिए डरते ना, जो पेन तुम हो रही थे उससे तो नहीं डर रही थी, तुम तो सोच रही थी पता नहीं डिलीवरी होगी तो जैसे मूवीज में दिखाते हैं, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ऐसे तो बाइक भी नहीं चलती। हाँ, इसको स्टिच का भी नहीं, क्योंकि वो सब सुन करके, जैसी बेबी आउट होता है जितना मर्जी सुन कर दो, जितना मर्जी इंजेक्शन लग जाता है, इसलिए नींद में होते हैं उस वक्त। जैसी बेबी आउट होता है एक सिस्टर खड़ी रहती है पेन का इंजेक्शन लगाने के लिए, कि अब तो पेन ना हो, इसको कोई छूने से भी हमें फील होता है ना, तो वो तो ना हो, और साथ ही लोकल भी इंजेक्शन लगा देते हैं कि सुन करना है टाँके लगाने, पहले लगाने से पहले ही, डिलीवरी से पहले ही लगा देते हैं, वो लोकल तो हम लगा ही सकते हैं। बात होती है जो कमर पेट में दर्द हो रहा है, तो वो बाद में भी 14 दिन चलता है, बहुत लोग समझते हैं कि सीजन के बाद चल रहा है, वो नॉर्मल में भी चलता है, उसके लिए गोली आराम से दी जाती है, वोवरन। श्वेता वॉन्ट्स टू ज्वाइन यू ऑन वीडियो, ऐसे प्रोविजन नहीं करी है हमने कि सब लाइव ज्वाइन कर सकते हैं ना, वैसे एक्चुअली ये कमर के लिए एक्सरसाइज हो रही है। आप हिप्स उठाओ पहले, ये देखो ऐसे, अब दबाओ नीचे, मेरा हाथ ऐसे दबाओ कि मैं निकाल ना पाऊँ, मैं निकाल ही ना पाऊँ, निकाल पा रही हूँ मैं तो, निकाल पा रही हूँ, और जोर से दबाओ, और जोर से दबाओ, जहाँ पे हाथ है उसी जगह पे दबाओ, जोर से दबाओ, यहाँ पे नीचे, अब दबाओ, वही तो चूड़ी आ जाएंगी, ला हाँ दबाओ, जोर से दबाओ, सेंटर में दबाओ, मेरी तरफ नहीं दोनों तरफ बराबर, इससे कमर स्ट्रांग होती है, स्पेशली सिजेरियन वालों ने बेल्ट बांध ली, यहाँ पे आराम से करते रहो, कमर तो ठीक रहे, सिजेरियन से कमर दर्द नहीं होती, कमर दर्द होती है जो हम उसके बाद आराम करते हैं उससे, ये ऐसे घुटने को ऐसे करो, इसमें हमारे इतने आती होती है,
इसमें वो चीज अपने आप हो रही है। तो जब तक ये नहीं हो पाता, और पहले दिन सबसे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और वो सॉफ्ट तब होते हैं जब अपने पेन से सीजन होगा। अगर अपने पेन से आप जाओगे उस दिन, मैक्सिमम बॉडी में रिलैक्सेशन बना हुआ है, जॉइंट सॉफ्ट करने का सिस्टम बना हुआ है, और पेन आने का सिस्टम बॉडी में ऑटोमेटिक है। जैसे पेन आने के और हार्मोन बनने शुरू होंगे, वैसे ही रिलैक्सेशन भी रिलीज होगा कि अब जॉइंट सॉफ्ट हो जाए। और वो जॉइंट सॉफ्ट रहेंगे ना उस दिन, तो उसी दिन हम पुरानी कमी भी करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके कमर में इसके तो है नहीं, है ना, ये गड्ढा है, तो ये हम डिलीवरी के पहले दिन ठीक कर सकते हैं। यहाँ पुश करो मेरे हाथ को, ये वाली जगह को हमने पुश करना, बैठे बैठे दीवार पे करो, इसकी अभी से कराओ, गड्ढा है आप दिखाओ, कमर इसकी फिर भी सीधी है, इनकी ठीक है, हाँ मेरी भी, इनकी भी ठीक है, तुम्हारा है, देखो डिफरेंस देखो, दिख रहा है सबको, है ये, यहाँ से ये सुंदर है, ये अच्छा है, इसका ये बोन दिखनी चाहिए, सुंदरता मानी जाती है। इसी के लिए, ये दिखाने के लिए हम डीप नेक पहनते हैं। और अगर ये गोलाई आ जाएगी तो कैसे लगोगे? आंटी आंटी नहीं नहीं आंटी लगोगे, देखो ऐसे लगोगे। फिर अगर यहाँ पे ये गोलाई होगी ना, तो पीछे से ही पता चलेगा आंटी मुझे कह चुके हैं कोई, आंटी टिकट लेना, मैंने कहे हैं आंटी क्यों बोला, पीछे से इसको कैसे पता चल गया। और उस दिन से शुरू कर दी मैंने, एक्सरसाइज बैठ के, हाँ इधर बैठो सीधी जगह पे, ये टेबल है, अच्छा वहाँ पीछे बैठ, हाँ दीवार ऐसे घूम के बैठो, नहीं नहीं बैक उधर, बैक दीवार से लगानी है, दीवार को धक्का देना है आपने, आपकी अपर बैक सुंदर है, ये लोअर भी, कमर जो है ये हमारी प्रेस करनी चाहिए यहाँ से, हाँ ये टच, ये देखो जगह खत्म करनी है हमने, समझ आ गया, यही सारी जिंदगी करनी पड़ेगी तब नहीं होगी। और प्रेगनेंसी और डिलीवरी वाले दिन और भी अच्छा होगा, गर्दन से झुकाओ ताकि ये ऐसा जैसी है वैसी रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ अब ये पूरी दीवार को सोचो, मैं तोड़ दूँ आज तो डॉक्टर साहब की दीवार, ठीक है चलो आ जाओ बाहर आ जाते, हमारा बेबी केयर हो गई।